दिखने में लाजवाब और खाने में स्वादिष्ट, आसान तरीके से बने पीनट के स्वादिष्ट मोदक। आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे बहुत कम सामान में आसान तरीके से गीले पीनट से स्वादिष्ट मोदक कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर, आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पीनट से स्वादिष्ट मोदक। पीनट से मोदक बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गीले पीनट लिए हैं, 20 से 25 काजू, 4 हरी इलायची। सबसे पहले हम पीनट को रोस्ट करेंगे। पीनट रोस्ट करने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम गैस पर पैन रख देंगे। पैन में सारे पीनट डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और पीनट को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब तक पीनट अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाते तब तक हमें पीनट को लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। यदि हम पीनट को तेज आंच पर रोस्ट करेंगे तो ये कहीं जगह जल जाएंगे और कहीं पर कच्चे रह जाएंगे और हमारे मोदक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमें मीडियम आंच पर पीनट को रोस्ट करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। पीनट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इनमें से चिटकने की आवाज भी आने लगी है। हमें पीनट को इतना ही रोस्ट करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। रोस्ट किए हुए पीनट को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम गर्म कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। हमें काजू को रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। काजू रोस्ट करने के लिए हमने गैस ऑन नहीं किया है, गर्म कढ़ाई में ही हमने इन्हें थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लिया है। काजू भी थोड़े रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। हमने काजू और पीनट को रोस्ट करने के बाद बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए ऐसे ही बाउल में छोड़ देंगे। हमने पीनट और काजू को रोस्ट करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम काजू और पीनट को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। काजू पीनट को मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हम इसमें 50 ग्राम के लगभग गुड़ ऐड कर देंगे। पीनट मोदक बनाने के लिए गुड़ आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़ी हरी इलायची डाल देंगे। हम 4 इलायची को छिलकर इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने पीनट, गुड़ और काजू को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको जार से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने मोदक बनाने के मिक्सचर को मिक्सी के जार से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। नारियल बुरा को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून पिस्ता कतरन ऐड कर देंगे। पिस्ता कतरन को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने पिस्ता कतरन को भी अच्छे से मिला दिया है। हमारा मोदक बनाने का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हमने इस तरह का मोदक बनाने का सांचा लिया है। इस तरह का मोदक बनाने का सांचा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसे मोदक मोल्ड भी बोल सकते हैं। इस तरह का मोदक बनाने का मोल्ड आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अब हम हाथ में थोड़ा मिक्सचर लेकर इस तरह से मोदक बनाने की लोई बनाएंगे। इस तरह से लॉन्ग साइज में बनाएंगे। ऊपर वाला भाग थोड़ा सा पतला रखेंगे। इस तरह से हमने मोदक बनाने की लोई बना ली है। अब हम लोई को इस तरह से मोदक मोल्ड में भर देंगे। हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे। हमने मिक्सचर को मोल्ड में अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से खोल लेंगे। हल्के हाथ से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार है। ऐसे ही हम सारे मोदक बनाएंगे।
इस तरह से हमने सारे मोदक बना लिए हैं। अब हम सारे मोदक को नारियल बूरा से गार्निश कर देंगे। इस तरह से पीनट के स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार है। इस तरह से गीले पीनट के मोदक बहुत कम सामान में झटपट से बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से पीनट मोदक बनाकर आप लोग व्रत में भी खा सकते हो। फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी पीनट मोदक बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से पीनट मोदक बनाकर अपने गणेश जी को भोग लगाइएगा और आप लोग भी टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।